नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई ने हिसार जिले के आदमपुर शहर में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कुलदीप ने कहा कि भाजपा ज्वाइनिंग के बाद पहली बार आया हूं, मनोहर लाल सरकार में तीसरा उपचुनाव है और इसे रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे, पहले दोनों उपचुनाव की हार भुला देंगे। कुलदीप ने कहा कि दुष्यंत, बिजेंद्र और मैं अब तीनों एक ही पार्टी में हैं। तीन प्रतिद्वंदी इकट्ठा हो गए तो ट्रिपल पावर हो गई, इसलिए घबराहट कांग्रेस के लोगों को होनी चाहिए, उन्हें पसीना आ रहा है। भाजपा में कोई धड़ा नहीं है, सभी पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नेता मानते हैं। कुलदीप ने कहा कि सोनाली फोगाट के साथ एक घंटा चाय पर चर्चा की, सारे मन मुटाव दूर हो गए, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत दावा करते हैं कि सीएम रहते हुए उन्होंने बहुत विकास किया, वे क्यों नहीं चुनाव लड़ते। भूपेंद्र की सरकार प्रॉपर्टी डीलर की सरकार थी, सीएलयू की सरकार थी, वे जानते हैं कि उनके कार्यकाल में केवल एक ही एरिया का विकास हुआ। इसी घबराहट के चलते वे चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा, कभी मंत्री नहीं रहा, फिर भी मैं चैलेंज करता हूं कि वे मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़कर देख लें। मैं यदि एक साल के लिए भी मुख्यमंत्री बन जाऊं तो हरियाणा के हर हलके से चुनाव लड़कर दिखा दूंगा। कुलदीप ने कहा कि यदि दीपेंद्र को चुनाव में उतारते हैं तो मजा आ जाएगा, दो दो हाथ हो जाएंगे। आदमपुर का चुनाव भजन लाल परिवार का नहीं होता बल्कि आदमपुर की जनता का होता है। कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार अपने आदमपुर हलके में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कुलदीप 3 दिन हलके में ही रहेंगे। इस दौरान कुलदीप ने सोनाली फोगाट से मुलाकात की और गिले शिकवे दूर किए। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।